हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बिल सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे TDS अपने मोबाइल पर कैसे देखें, तथा जिन भाइयों के पैन कार्ड बने हुए हैं उन्होंने अपना पैन कार्ड पर ख़रीदारी की है या कोई इन्वेस्टमेंट किया है, तो उन्हें सरकार के द्वारा TDS के रूप में कुछ रुपया जमा होता है। वह रुपया आप अपने मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं, आइए हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक वॉच करें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर पर आएंगे, वहाँ पर टाइप करेंगे ई फीलिंग और सर्च कर देंगे। यहाँ पर हम इनकम टैक्स वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप मोड को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारी इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन होके आ चुकी है। यहाँ पर ऐड आ रहा है, उसको क्लोज कर देंगे हम। यहाँ पर देख सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन योर सेल्फ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपने पैन कार्ड का प्रकार डालेंगे, हमारा इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, नहीं तो हम दूसरा सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करके अपना RD और पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने जो हमारा पहले से ही RD बना हुआ है वो लॉगिन करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम RD यूजर RD और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। यहाँ पर हम कैप्चा फिल करेंगे। रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर एक SMS आएगा, OTP यहाँ पर दर्ज करेंगे। यहाँ पर आप 3 बार ही OTP डाल सकते हैं और सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डैशबोर्ड आ चुका है, यहाँ पर माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से व्यू फॉर्म 26AS टैक्स क्रेडिट पर क्लिक करेंगे। अब इसे आप कंफर्म करेंगे। यहाँ पर एग्री का टिक लगा के प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम एनुअल ईयर से सेलेक्ट करेंगे, जिस साल का हमें देखना है वो वर्ष सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम HTML सेलेक्ट कर लेंगे। व्यू एंड डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पैन कार्ड पर कितना रुपया TDS के रूप में जमा हुआ है। आप देख सकते हैं TDS डिपॉजिट। हम अपने जमा किए गए TDS को इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ITR रिटर्न फाइल करके निकाल भी सकते हैं। आपको प्रिंट करने के लिए एक्सपोर्ट SPDF पर क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। आपने देखा कि हम अपने कटे हुए TDS को कितनी आसानी से अपने मोबाइल पर ही देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, बस शेयर और कमेंट जरूर करें।